भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों और बाकी वीडियो देखने वाले नए सभी भाई बहनों, आप सबका वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी जानकारी आपको बाल विकास विभाग से रिलेटेड मिलती है वो ऑल इंडिया आपको सरकारी आदेशों के मुताबिक 100% सही और सही जो है यहां पर आपको देता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर के पदों पर भर्तियां निकल चुकी हैं। आवेदन इसके लिए कब से लिए जाएंगे, कब लास्ट डेट होगी, क्या क्या जो है यहां पर मानक हैं इस परीक्षा को जो है यहां पर देने के लिए, उन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको हम सरसरी नजर में बताते हैं कि पद कितने हैं, कौन लोग योग्य होंगे, कौन लोग जो है नहीं दे पाएंगे इस परीक्षा को, साथ ही साथ जो है और निर्देश है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या लगता है, साथ ही साथ जो है और इसके अलावा फीस जो है कितनी है और किन किन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कितनी कितनी फीस जो है यहां पर परीक्षा के लिए देनी है, प्रिंटआउट के बारे में सब कुछ बताएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो केवल संशोधन हो सकती हैं, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान देना है कि इन चीजों में बिल्कुल भी गलतियां ना करें। साथ ही साथ आप देखिएगा यहां पर पदों का विवरण कितना है, यानी कितने कितने पद हैं, उन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। श्रेणी वाइज कितने पद हैं, मान लीजिए कोई ओबीसी है, कोई जनरल से है, कोई एससी एसटी से है, कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आएगा, तो सबके अलग अलग पद कितने हैं वो भी उस पर भी बात करेंगे। क्षैतिज आरक्षण का विवरण क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही इसके अलावा जैसे कि जो है अनिवार्य अर्हता में क्या है, अनिवार्य शैक्षिक से रिलेटेड क्या है, कौन से लोग हैं जो फॉर्म को भर पाएंगे, उसके लिए शैक्षिक जो आप लोगों की अर्हता क्या लगती है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं बीए बीएससी वाले लगेंगे, यानी बीए वाले लगेंगे या बीएससी वाले लगेंगे, कौन से लोग हैं, कैसे सब्जेक्टों से पढ़ाई होनी जरूरी है ग्रेजुएशन में, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आयु सीमा कितनी है, चयन का आधार दरअसल कैसा है, अभी बता दूं लिखित परीक्षा इसके लिए करवाई जाएगी, इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम क्या है, यानी पेपर में क्या क्या आएगा, उस मुद्दे पर विभाग ने क्या कहा इस आदेश में, लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट भी दे दिया गया है। साथ ही साथ जो है कितने गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कहने का मतलब है मान लीजिए परीक्षा होगी, उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी कितने ज्यादा अभ्यर्थियों को सीट के सापेक्ष बुलाया जाएगा, उन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बाकी इसके अलावा आपको बता दें जैसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आरक्षण भी इसमें दे दिया गया है, और बाकी हर एक चीज के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए ले लो, चाहे आपका दिव्यांगजन प्रमाण वाला ले लो, चाहे आप जो है फॉर्म थर्ड वाला ये सर्टिफिकेट ले लो, इस तरह से बहुत सारे इस तरह से जो है ये चीजें दी हैं जो आप लोगों के काम आएंगी। जैसे कुशल खिलाड़ी होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, इन सबको क्या क्या चीजें छूट के तौर पर मिलती हैं, सब मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो आप सब भाई बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। स्टार्टिंग में आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप समझ जाए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ऑल इंडिया की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद आपके मन में भी अगर कोई शंका समाधान रहता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, भर भर के कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करना। आप देखिएगा यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 5 जो है परीक्षा /2022 ये जारी हो चुकी है। मुख्य सेविका परीक्षा ये यहां पर कराई जाएगी, जिसके लिए हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ करने की जो तिथि है उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। तो जो आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 3 अगस्त से, तो जिन भी भाई बहनों को इस परीक्षा में आवेदन करना है वो 3 अगस्त यानी अगले महीने, अभी जुलाई चल रहा है, अगले महीने 3 तारीख से आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर परीक्षा के लिए। अब देखिए यहां पर अंतिम तिथि आपकी 24 अगस्त रख दी गई है, और शुल्क जमा करने की और आवेदन में संशोधन करने की जो आखिरी डेट है वो आपकी 31 अगस्त है। तो पूरे अगस्त महीने में सारा खेल ये हो जाएगा सुपरवाइजर भर्ती का। अब आप लोग इस महीने भर तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, जो भी नहीं है उसका भी ध्यान रखो, अभी जो भी प्रमाण पत्र टाइप के आपके लिए जरूरी है उन सबको आप बनवा लो, इस बात का भी ध्यान रखो। बाकी आप देखिएगा समय पर ही आवेदन करेंगे तभी स्वीकार होंगे, अन्यथा बाद में स्वीकार नहीं होंगे। जैसे कि 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी होगा, उसके बाद में आप चाहे हाथ पैर पीटते रह जाएं, अगर डेट नहीं बढ़ी ये जो है ऑनलाइन आवेदन की तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, बढ़ जाएगी तो बात अलग है। फिलहाल के लिए
इनका कहना है यहां पर जो है, अब इस बात का ध्यान रखना 24 लास्ट डेट है यहां पर अंतिम आवेदन की, लेकिन आप लोग 20 से पहले ही आवेदन कर लें, ऐसी हमारी सलाह है आप लोगों को स्पेशल, क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है बहुत ज्यादा लोग आवेदन करते हैं तो कभी सर्वर की प्रॉब्लम, साइट जो है कभी डाउन पड़ जाती है तो आवेदन नहीं हो पाते, काफी लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए अच्छी बात तो ये होगी 3 अगस्त से अगर अगले महीने 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं तो 15 या 20 तारीख तक आप सभी जो है तरीके से काम को अपना पूरा कर लो। और यहां पर ध्यान देना, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना में ये बता दूं कि कहां ऑनलाइन आवेदन होंगे, तो upssc.gov.in जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, ये इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। और आवेदन लेने के लिए आप लोगों को ध्यान देना है यहां पर एक बात का कि अगर आप लोग यहां पर इन अर्हताओं को पूरा करेंगे तभी आवेदन करना। मान लीजिए आप इसके लायक ही नहीं और भर्ती में अप्लाई कर दें तो फिर किसी काम का नहीं। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लोगों ने क्या क्या जो है अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया था, वही जो इसमें मान्य होगा उस पर भी बात करेंगे। बाकी देखिए upssc.gov.in जो आप लोगों की वेबसाइट है, इस पर जब आवेदन के लिए आप जाएंगे तो होम पेज पर आपको इस भर्ती से रिलेटेड एक जो है एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। उस सेगमेंट में जब आप जाएंगी तो वहां पर आप विज्ञापन पर क्लिक कर देंगी तो वहां से आप डाउनलोड वगैरह व्यू करके भी देख सकती हैं और आवेदन भी वहीं से होंगे। और आवेदन के लिए हमारी सलाह यह है स्वयं से ना करके आप सब अगर नहीं करना जानते हैं तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से कैफे से आप करवा ले, जहां पर इस तरह से आवेदन किए जाते हैं हर भर्ती के लिए जो अभी परीक्षा में अप्लाई किया करते हैं उनसे करवा लो, वो बेटर रहेगा। वहीं पर आप देखिएगा यहां पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के बारे में भी यहां पर बातें हो रही हैं, इसी के आधार पर सारा खेल होगा। अब इस मुद्दे पर हम बाद में बात करने वाले हैं और फोटो है, विवरण है, सब कुछ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी चीजें हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा शुल्क कितनी है, फिर अभी पदों के बारे में भी बताएंगे। देखो पद आपको हम पहले ही बता देते हैं, पद ऊपर बताना जल्दी जल्दी में जो है छूट गया था, पद आपके कितने हैं, 2693 पद हैं। कितने हैं? 2693 पद हैं। अभी इन पदों को हम श्रेणी वाइज भी आप लोगों को समझा देंगे, इसीलिए ज्यादा बताना स्टार्टिंग में ठीक नहीं समझा, तो श्रेणी वाइज भी अभी बताएंगे। उससे पहले आप फीस के बारे में देख लीजिएगा, फीस कितनी है, तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है आवेदन करने की। अनारक्षित और सामान्य वालों के लिए यहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है ₹25 है और शुल्क योग जो है यहां पर आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25 ही है। अब ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 25 है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 है, विकलांग जन हेतु भी 25 है। यानी आवेदन शुल्क अगर आप बात कहें परीक्षा की दृष्टि से तो कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रही है स्टार्टिंग में। ऑनलाइन प्रक्रिया जब आप कराएंगे तो उसमें जनसेवा वाले जो भी हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो आपसे फीस लेंगे अपनी भर जो है इसमें अप्लाई करने का। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं फीस आपसे कब ली जाएगी। फीस तब ली जाएगी जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसके जस्ट पहले आप लोगों की फीस ली जाएगी। अभी इस मुद्दे पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ऑनलाइन आवेदन के दौरान शायद फीस वाला सिस्टम ना हो। अब इसमें लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाए भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो यहां पर जब आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, जब आप योग्य माने जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर चुके होंगे, परीक्षा से जो है समय पहले जब आपका एडमिट कार्ड निकलता है, उस प्रवेश पत्र जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों से शुल्क लिया जाएगा परीक्षा का। बाकी अभी तो मुझे लगता है नहीं पड़ेगा, या जो भी होगा आप वहां पर देख लेंगे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। अब देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना आप बिल्कुल ना भूलें, इस बात का तो खास तौर पर ध्यान रखना। काफी लोग भर्ती में अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसका प्रिंट आउट लेते ही नहीं है और बाद में जब दिक्कतें आती हैं, जब उनका एडमिट कार्ड निकलना होता है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, क्या करें कैसे करें, बहुत सारी दिक्कतें। तो भर्ती में अप्लाई जब आप करें उसके बाद सब कुछ फाइनल कर लें, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर वहां पर जाकर के आपका फाइनल प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, अपने जहां से फॉर्म अप्लाई कराएं उनसे अपना फाइनल प्रिंट आउट भी ले लें कि पूरी भर्ती में आपने अप्लाई किया, फीस वाला भी सब कुछ पूरा पूरा ले लें। अब देखिए यहां पर आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में आपको बताएंगे, अभी इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे कि कौन-कौन, जैसे मान लीजिए आप गलती करते हैं आवेदन के दौरान तो क्या क्या चीजें हैं जो आपकी सुधारी जा सकती है, जिसमें संशोधन हो सकता है, तो उन चीजों का ध्यान देना। बाकी इससे हटके जो भी चीजें होंगी जिनमें संशोधन नहीं होगा तो उसको आप बिल्कुल भी गलती मत करना, इसका आप लोग जो है खास तौर पर ध्यान देना। वहीं पर आगे ले चलते हैं,
बाकी आप देखिए पदों का विवरण यहां पर अब आप लोगों को बताते हैं कितने पद हैं, कौन कौन से वर्ग के लोगों के लिए हैं। अब देखिए यहां पर सारणी नंबर एक ये है, बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग की तरफ से है। पदनाम में आप देख रहे हैं मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर का पद है। वेतन ग्रह जो है और आपका ग्रेड पे की अगर हम बात करें वेतनमान और ग्रेड पे की, तो यहां पर लिखा है 5200 से लेकर के 20200 स्टार्टिंग है ये, और साथ में ग्रेड पे अलग से 2800 है। वेतन ये कैसा है, मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग है, बाकी लोगों की योग्यता के आधार पर समय के आधार पर ये बढ़ता रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। नौकरी जैसे जैसे आपकी बढ़ती है वैसे वैसे यहां पर ग्रेड पे बढ़ता है, सब कुछ होता जाता है, तो पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। अब देखिए आयु न्यूनतम अधिकतम वर्षों में कितनी, तो 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। मान लो अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तब भी आप भूल जाओ इस भर्ती के लिए, और अगर आप 40 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए भूल जाइए, और उसको तो बाद में सोचिए, उसके पहले पीटी का पास होना जरूरी है। अभी उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, अभी फिलहाल आप भर्तियों के बारे में जान लीजिए। अभी जो है अधियाचित कुल रिक्त पदों का जो आरक्षणवार विवरण है वो दिया गया है, जिसमें अनारक्षित जो वर्ग है उसके 1079 पद हैं। कितने हैं, 1079 पद हैं अनारक्षित वर्ग के, और अनुसूचित जाति के कितने हैं, 565 पद हैं, साथ ही अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, 53 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, 727 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ओबीसी के 727 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जिनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होता है उसके जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 269 पद हैं, तो यहां पर ध्यान देना। साथ ही साथ कुल पद की अगर हम बात करें तो 2693 टोटल पद हैं। साथ ही यहां पर अभियुक्ति में ध्यान देने लायक बात लिखी हुई है, स्थाई ऑब्लिक अस्थाई, क्या लिखा है, स्थाई ऑब्लिक अस्थाई, तो इसमें डाल करके आया है अस्थाई, तो यहां पर ध्यान देना, लगता है जैसे भर्तियां क्या अस्थाई तौर पर होंगी, तो इस मुद्दे पर हम खैर ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है उसके लिए आप लोग जोड़ा सोचिए। अब सरणी नंबर दो यहां पर दी गई है, क्षैतिज आरक्षण का विवरण है, यानी आरक्षण किस किस को मिलता है, कैसे कैसे मिलता है उसके बारे में है। तो ये देखिएगा, मुख्य सेविका के पदों के लिए ही आरक्षण की बात कर रहा हूं मैं। क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए पदों की संख्या आरक्षण के अकॉर्डिंग कितनी है, 53 है। साथ ही साथ दिव्यांगजन मुख्य सेविका पद हेतु दिव्यांगजनों के लिए यहां पर BLVD वगैरह के लिए जो भी तरह के लोग हैं, या आपको हम बताएं यहां पर HH तथा यहां पर लिखा गया है DW श्रेणी या उपश्रेणी में जो भी लोग आते हैं, देखो दिव्यांगजन टाइप के कई श्रेणियों के लोग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पदों की संख्या बता रहा हूं। तो दृष्टिहीनता एवं कम जो है दृष्टिहीनता वालों के 36 पद हैं, बाधिर और श्रवण शक्ति में हास वाले 36 लोग हैं, यानी 36 पद हैं इसमें आवेदन करेंगे। साथ ही साथ इनके अलग अलग पद होंगे, इनके आरक्षित पद हैं समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा 36 आपने ऊपर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 53 पद देखे, अब आपके पास अगर ये है सिस्टम स्वतंत्रता संग्राम वाला आरक्षण लेने का, तो अगर मान लीजिए ऐसे लोग कितने हो जाए, 40 लोग हो जाए फॉर्म डालने वाले, तो 40 के 40ों का सिलेक्शन हो जाएगा, बस परीक्षा बसरते वो पास कर ले, 40 के 40ों का हो जाएगा। अब 53 लोग हैं, 53 भी डाल दे तो 53ों का हो जाएगा, उनके लिए सीट आरक्षित रहेंगी, उनकी कट ऑफ अलग बनेगी, उनका सब अलग होगा, इस बात का ध्यान देना। तो ये सब उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब यहां पर जो है प्रमस्तिष्क जो है अंगघात या उपचारित कुष्ठ या बौनापन या एसिड आक्रमण पीड़ित या मांसपेशी या दुष्पोषण वाला या सचित चलन प्रक्रिया वाला निसक्तता वाला, इनके लिए भी 35 पद अलग से हैं। साथ ही साथ अब देखिए आगे यहाँ पर HH वाले यही इसी में यहाँ स्वपरायणता बौद्ध वगैरह निसक्तता विशिष्ट अधिगम निसक्तता और मानसिक अस्वस्थता इनके पद नहीं है। साथ ही जो है खंड का खागावा इसमें जो चीजें हैं निसक्तता जिसमें ये सब जो चीजें हों ऐसी तो विज्ञप्ति में बाधिर अंधता सम्मिलित है ये नहीं है, तो केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र इसके लिए मानी जाएंगी, इस बात का भी ध्यान देना, महिलाओं के लिए है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 134 हो गए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 53 है। इस तरह से इतने-इतने पद जो है आरक्षित कर दिए गए हैं, क्षैतिज आरक्षण टाइप का जो मिलता है उसके लिए है। अब देखिए यहां पर रिक्तियों की जो संख्या है मैंने स्टार्टिंग में बताया था घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो जो पद हैं वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान देना। बाकी ले चलते हैं आगे, अब अनिवार्य अर्हता परीक्षा जो शैक्षिक वाली है उस पर बात कर लेते हैं, ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन से विषय से आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। लिखा है यहां पर अभ्यर्थी भारत में यहां पर लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित किसी
विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ में कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हूं। तो यहां पर भैया जो आपका संशोधित करके चीजें आई हैं आप ध्यान देना, तो ये बात का ध्यान रखें किसी भी जो है विश्वविद्यालय से यानी आप लोगों को जो है समाजशास्त्र का या समाज कार्य का या गृह विज्ञान का या पोषण और बाल विकास से रिलेटेड या जो है कला में स्नातक, इस तरह से स्नातक अगर आपने किया है आर्ट साइट वाले सब्जेक्टों से तो आपको कला विज्ञान जिसको बोलते हैं इस तरह के सब्जेक्टों से तो यहां पर आप आवेदन कर पाएंगे। अब जिन्होंने बीएससी किया है ग्रेजुएशन वाला सिस्टम जो बीएससी किया है साइंस साइड वाले सब्जेक्ट से हैं तो उन लोगों के लिए मुसीबतें हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी आपको ध्यान देना अभी पीटी के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, साथ ही अधिमानी अर्हता में क्या लिखा है, अन्य बातों के समान जो है यहां पर अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक उसको अनुभव हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक जो है सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस तरह से चीजें यहां पर दी हैं, उसमें अगर ऊपर वाली चीजें समान हैं और नीचे इस तरह से उसमें फिर वरीयता मिल जाएगी। साथ ही आयु सीमा के बारे में जान लो, तो 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु जिनकी पूरी हो रही है, कब, 1 जुलाई अभी इसी महीने की जो 1 जुलाई 2022 को अगर आपकी 21 वर्ष एज पूरी हो रही है तो आप अप्लाई कर लेंगे। वहीं जो है 40 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। 1 जुलाई 2022 को अगर आप 40 साल से ज्यादा के हो गए हैं तो भी आप नहीं फॉर्म डाल पाएंगे। साथ ही देखो कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी मिलती है, 1 साल 2 साल 3 साल की, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य श्रेणी इस तरह के सबके लिए अलग अलग होती है उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग। अब आरक्षण के बारे में इसमें देखो ये सब चीजें दे दी गई है, बाकी चयन का आधार क्या रहेगा, तो ये चयन का जो आधार है वो आपकी लिखित परीक्षा रहेगी, इसके लिए परीक्षा भी कराई जाएगी। तो विज्ञापन पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक जो 11 मई 2015 द्वारा प्रख्याति उत्तर प्रदेश समूह गा के पदों के लिए सीधी भर्ती जो है नियमावली 2015 कार्मिक अनुभाग 2 और अधिसूचना के अंतर्गत आपकी 31 अगस्त 2017 के द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश व जो है अवसर लिखा गया है अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए बताया जा रहा है साक्षात्कार का बंद किया जाना। तो एक बार और ध्यान देना, सीधी भर्ती है साक्षात्कार ब्रैकेट में लिख दिया गया यानी इंटरव्यू का बंद किया जाना, ऐसा ऐसा लिखा है कार्मिक विभाग की शासनादेश लिखा है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो केवल मुझे लगता है लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए भी आप स्वतंत्र हो जाओ। पहले इसमें इंटरव्यू भी होता था, अब इंटरव्यू नहीं होगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम क्या है उस पर भी बात करते हैं, तो परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है वो आपकी जो वेबसाइट है UP SSC.gov.in इस पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, जैसे ही उस जो है उस पर आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी दे दिए गए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में दिया गया है, आइए इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहां पर मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा के लिए विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटेज स्कोर 0.2 स्थान तक जो है धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, उनको मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो मुख्य परीक्षा के लिए बताया जा रहा है शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 15 गुना अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोगों को वहां पर लिया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो है अनुदेश भी यहां पर दिए गए हैं, खैर इन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। और इसके अलावा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं EWS आरक्षण जिसको बोलते हैं, इसी के चक्कर में आपको पता है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की जो भर्तियां हैं वो खटाई में पड़ गई हैं, वो इस तरह का जो आरक्षण है उसका कोई भी जो है इंतजाम भर्तियों में नहीं किया गया, जिसके चलते वो पूरा शासनादेश और वो जो भर्तियां वो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी पदों के लिए खटाई में पड़ी हैं, उस पर आगे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो 10% जो आरक्षण है वो मिलता है EWS का, और इसके लिए क्या होता है आपका जो परिवार का जो आय है वो पूरा समस्त स्रोतों से, जैसे वेतन है, कृषि है, व्यापार है, व्यवसाय है, सबसे टोटल अगर 8 लाख रुपए से अगर आपका कम है तो आप EWS आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका अपना सर्टिफिकेट बनवाओ, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो आरक्षण वाले इसके EWS वाले पद भी मैंने अलग से बता दिए कितने हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस कैटेगरी से फाइट करना तो आप इसको जो है पर भरेंगी, अपना प्रमाण पत्र जो भी है वो सब लगाएंगे EWS वाला, उसका आपको लाभ मिलेगा। ये चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी देखिएगा यहां पर इसके बाद में और ध्यान देना,
लिया। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले लोग अगर बहुत ज्यादा हो गए, सामान्य वाले जो भी अपनी अपनी श्रेणियों से कम हो गए, क्योंकि हर कोई चाहेगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल जाए 10% का, उनकी भर्ती अलग है उसमें लड़ेंगे। लेकिन अगर यहां संख्या बढ़ने लग गई, यहां ज्यादा लोगों ने इस तरह से आरक्षण लेने का दावा अगर किया, सब चीजें की, तो यहां की कट ऑफ हाई हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखना, जिधर ज्यादा लाभार्थी भगेगा लाभ लेने के लिए, अभ्यर्थी भगेगा, उधर जो है वहां पर कट ऑफ हाई हो जाएगी। तो अगर ईडब्ल्यूएस वाले में ज्यादा लोग बनवा करके लगाते हैं आरक्षण लेने के चक्कर में, तो उधर अगर लोग ज्यादा हो गए तो आपका कट ऑफ वहां पे हाई हो जाएगा, तो वो आपको दिक्कत करेगा। उससे अच्छा पता चला आपकी जो श्रेणी थी उसी में आपका अच्छा गया। अब देखिए यहां पर इस तरह से ईडब्ल्यूएस अनुमन्यों का 10% आरक्षण इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो यहां पर ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को हमने बताई हैं। अभी हम ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। अब इसके अलावा आप लोगों को हम ले चलते हैं दरअसल ऊपर, और जैसा कि आप लोगों को बताते हैं थोड़ा और चीजें, जैसे कि आपका रह गया था पीटी का एग्जाम, तो इसमें विभाग ने साफ कर दिया है मुख्य सेविका जो परीक्षा आपकी अभी लिखित वाली ये होगी, वो उसी में वो लोग बैठ पाएंगे इसमें जिन लोगों ने पीटी का एग्जाम 2021 का दिया है। तो जिन्होंने 2021 यानी पिछले साल पीटी का एग्जाम दिया था, अगर वही लोग सुपरवाइजर भर्ती में फॉर्म डाल पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। साथ ही साथ आप देख रहे हैं अगर आपने फॉर्म नहीं डाला था, परीक्षा में नहीं बैठे थे पिछले साल 2021 में, तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। लेकिन आगे की तैयारी कर लो, आपकी जो है मदद के लिए मैं बता रहा हूं, पीटी का एग्जाम अभी ऑनलाइन हो रहा है। अभी 2022 वाले एग्जाम के लिए हर साल सरकार पीटी का एग्जाम करवाएगी, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगी, जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो 2021 का इसमें लग रहा है, 22 का अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर दें, जैसे ही आप कर देंगे तो आपको 2022 की परीक्षा में बैठने के लिए मौका मिल जाएगा। किसमें? पीटी की जो परीक्षा में, ना कि सुपरवाइजर की परीक्षा में। मैं आपके आगे के लिए कह रहा हूं, आगे भविष्य में कोई और अगर भर्तियां आती हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से, तो ऐसे में आपको उसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। अगर नहीं डालेंगे तो इसी तरीके से सारी की सारी भर्तियां आपकी चली जाएंगी, बिना पीटी के एग्जाम के आप किसी भी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी के नहीं बैठ पाएंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2022 के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, आप सब उसमें जरूर डालें और इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ देखो यहां पर, मान लीजिए जिनके जीरो नंबर भी आए थे वो भी फॉर्म कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी जो भी विभाग आगे अपना जांच परिणाम में निर्णय लेगा उसको आप सबको मानना होगा। लेकिन फिलहाल आगे और बताते हैं, जैसे इसमें और क्या होगा, आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश आपको बताते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेशन जो है उसके आधार पर चीजें होंगी, साथ ही व्यक्तिगत विवरण के साथ में आपको चीजें वहां पर भरनी होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, आपका लिंग क्या है, उत्तर प्रदेश का निवासी संबंधी, इस तरह से चीजें यहां पर आपको भरनी होंगी, श्रेणी वाइज सब चीजें भरेंगे। तो देखो यहां पर जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपका पीटी का जो एग्जाम आपने दिया है उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, ओटीपी के माध्यम से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किया जाएगा, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन होगा। अभ्यर्थी जो है यहां पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में चीजें करेगा। तो भैया आपका जो 2021 में आपने पीटी का एग्जाम दिया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, उसी को जब आप ले जाएंगे परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए, जिन्होंने दिया होगा वही ले जाएंगे, तो उसको लगाएंगे, फिर अपना जन्मतिथि डालेंगे, फिर वहां पर चीजें होंगी, ओटीपी आएगा, ऐसे करके सिस्टम है पूरा। अब आवेदन के लिए आप यहां पे देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण वारक्षण सारी चीजों पर यहां पर बात मैं पहले ही कर चुका हूं। तो यहां पर आप जब फॉर्म भरेंगी तो अपना ध्यान देना, जिस तरह का आपको आरक्षण लेना है उसको भर लेना, उसको छोड़ना मत, वरना फिर बाद में पता चला फाइनल सबमिट आपने कर दिया फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप कहेंगे मैंने ईडब्ल्यूएस छोड़ दिया, मुझे आरक्षण छूट गया, मुझे वो लगाने के लिए रह गया। तो एक बार अच्छे तरीके से सोच लो, समझ लो और अच्छी जगह आप इसको भरवाओ, ताकि कोई आपकी दिक्कत ही ना हो। अब देखिए यहां पर इस बात को तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि पीटी का एग्जाम जिन्होंने 2021 का पिछले साल दिया था वही फॉर्म भर पाएंगे। फोटो हस्ताक्षर के बारे में बात यहां पर हो रही है। लिखा गया है इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो देखो जिन्होंने पीटी का एग्जाम 2021 का पिछले साल दिया उसी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर इसमें भी अप्लाई किया जाएगा। अब यहां पर आपको फोटो हस्ताक्षर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिछले पीटी के एग्जाम के जो भी आपके फोटो हैं हस्ताक्षर हैं वही इस परीक्षा के लिए अपने आप ऑटोफिल हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देगा और अगले पृष्ठ पर चला जाएगा, इस तरह से यहां पर दे दी गई। अन्य विवरणी में भी ऐसी चीजें दे दी गई हैं, तो ध्यान देना, और इस तरह से घोषणा भी यहां पर दे दी गई है, इस तरह से चीजों को आपको करना है। फीस और भुगतान के बारे में भी चीजें हैं, तो फिलहाल के लिए
आप यहां देख रहे हैं पेमेंट वाली जो भी डेटें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, और अंतिम सबमिट भी सब कुछ कर देना, अपना प्रिंटआउट विंटआउट ले लेना। इन सब मुद्दों पर मैंने बात कर ली, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा, इसको हम नहीं खींचेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मतलब बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही साथ अब देख रहे हैं आप इसमें अब कुछ ऐसा नहीं रह गया जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम का हो। फिलहाल के लिए काम का जो रह गया है वो ये है, हाँ जो भी आपका संशोधन होना है वो किन किन मुद्दों को लेकर के हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी चीजें नाम में वर्तनी में गलती, ये आपकी अनुमान देखो यहां लिखा है, भर्ती द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित किया जा सकता है, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। तो क्या क्या है जो संशोधित हो सकता है जब आप भरेंगी, और वो भी कब तक, उसकी भी डेट दी है 31 तारीख तक, उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ये भी ध्यान देना। नाम में गलती है तो हो जाएगा, पिता पति के नाम में गलती है तो हो जाएगा, पत्राचार का नाम में वर्तनी में गलती है तो हो जाएगा, अन्य व्यक्ति विवरण जैसे EWS है, 36 आरक्षण है, इन सबका है इसमें हो जाएगा, जैसे कि यहां पर और जाति श्रेणी के बारे में है वो भी आपका हो जाएगा, लिंग जेंडर से है और आवेदन में आपका अनिवार्य अधिमानी अर्हता से संबंधित दर्ज है वो उसमें भी हो जाएगा। ये कुछ संशोधन है जो आपके हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपके 31 अगस्त तक ही जो है जब आप करेंगे तभी होंगे। 31 अगस्त के बाद में अगर डेट वेट नहीं बढ़ती है तो आप चाहे जितना हाथ पैर चला लो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ध्यान देना, पहली बार में ही जो भी भरना बढ़िया से सोच समझ कर भरना, कोई गलती का मौका अपने आप को बिल्कुल भी मत देना, इस बात का आप सबको ध्यान देना है। तो अब आपका ये फाइनल पूरा जानकारी हो चुका, बस अब आपका जो रह गया है वो विभाग की तरफ से ही अभी नहीं आया है कि आप लोगों को उसमें जो है मुख्य परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है। तो आयोग की तरफ से जब जैसे ही आपका UP SSC.gov.in पर अपलोड किया जाएगा आपका सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, तो आपको हम बता देंगे। और देखिएगा, अगर हमें जरूरत पड़ी, मैं आपको काफी लेट बता रहा हूं, जरूरत पड़ी अगर बहने हमारी होंगी ऑल इंडिया चैनल की, या आप में से मांग करेंगे कि सुपरवाइजर के लिए जो पाठ्यक्रम है आप उसको पढ़ा दें, आप उसको बता दें कैसे कैसे क्या करना है तो ताकि अच्छा स्कोर आ जाए, तो उसका भी इंतजाम हम कर देंगे, वो भी आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल 7 तारीख तक हमारे एग्जाम हो रहे हैं, इनको हम जल्दी अपना खत्म कर रहे हैं, उसके बहुत बढ़िया एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी हुए 3 के 3 बढ़िया हुए, चौथा रह गया है वो भी बस अच्छा हो जाए, बस उसके बाद में फिर हम अच्छे तरीके से न्यूज और आप लोगों की जो भी हेल्प हो पाएगी हम उसको करेंगे, ताकि बहने जो भी इंतजार में बैठी है, PET भी दिया होगा और इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहती होंगी, तो उनको कोई दिक्कत ना हो और वो क्वालिफाई कर पाए, और उनके घर में भी जो है सुपरवाइजर की वाली जो एक फीलिंग है वो आए और घर में खुशियां भी आए। बाकी आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जानकारी आपको टोटल दे दी।